हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिगर कैंसर को ना नहीं होती, उसका इलाज बहुत अच्छा मौजूद होता है। मेरे साथ एक बाबा जी हैं, उनकी फैमिली थी, दे आर फ्रॉम सियालकोट मेरे पास आए। इनका कैंसर, मेरा दोस्त है डॉक्टर रऊफ, मैंने बकायदा जलवाया और अब ये ट्रांसप्लांट की तरफ आ गए हैं। इनकी एक नाड़ तक इन्वॉल्व थी। मैं दिखाता हूँ, पहले जो इनका कैंसर था ना, ये खुद भी देख रहे हैं, पहले जो इनका कैंसर था ना, वो सारा पड़ा हुआ था, फैला हुआ था, ठीक है। अब अगर वी आर कमिंग टूवर्ड्स लिवर एंड सारा कुछ, तो इनका ये जो वेसल्स हैं, ये इधर तक कैंसर ने पकड़ा हुआ था, ये जो आपको माउस पे नज़र आ रहा है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इनका सारे का सारा कैंसर जो है, ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये जल गया है, ये जला हुआ एरिया है, ठीक है। थोड़ी सी इन्हांसमेंट आ रही है और ये थोड़ा सा ये, और इसको भी हमने जलवा दिया दोबारा, यानी इसके बाद भी एक सेशन हो चुका है, यानी कि एक 29/3 को हुआ है और फिर एक 20/5 को। ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं, 29/3 को हुआ और फिर 13/5 की ये है, जिसमें जलावा आपको सारा नज़र आ रहा है, और पहले इसी ने नाड़ भी पकड़ी हुई थी, ठीक है। तो नो, अब ये देख लें, नो इन्हांसमेंट इन दीज एरियाज, थोड़ा सा ट्यूमर रह गया, इसके बाद भी हमने जलवा दिया। और प्रीवियसली जो राइट हिपैटिक वेन में फड़ा हुआ था, ऑल हिपैटिक वेन शोज नॉर्मल कंट्रास्ट, नो, ये ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो ख़त्म हो गया कैंसर ना, तो कितनी चंगी गल है, फिर कैंसर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी ना नहीं होती जिगर कैंसर के मरीज को आप नो। अच्छा, एक और चीज़ मैं बड़ी मज़े की दिखाने लगा, जब ये हमारे पास 16 मार्च को आए थे, ये ट्यूमर जो पैदा करता है, ये क्या था, 3,000 4,000 से ऊपर, अब ये कितना हो गया है, ये भी बता रहा है कि ट्यूमर इस काफ़ी हद तक जल चुका है। ये देखें, जलाने से पहले इतना था, अब इतना है। तो इस तरह जो है चीज़ें इम्प्रूव कर जाती हैं ट्रांसप्लांट के बाद। तो जिगर कैंसर का इलाज हर लेवल पे मौजूद होता है, जिगर कैंसर टेस के बाद, तो हर लेवल पे अगर आप उस तरह कैंसर हो गया है, उसको ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, जलवा दें, ट्रांसप्लांट कर दें, फिर आगे फिर और इलाज भी हैं, ऑनकोलॉजी जहाँ इन्वॉल्व होती है, तो कभी भी ना नहीं होती। अच्छा, अब ये पेशेंट ट्रांसप्लांट नहीं, लेकिन टेस इनको लंबा चला जाएगा। ट्रांसप्लांट इनका क्यों नहीं होगा, 70 साल उम्र है, 70 साल कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन अमूमी तौर पर इस उम्र में ट्रांसप्लांट सेंटर्स ट्रांसप्लांट अवॉइड करते हैं। लेकिन इस कैंसर के जल जाने की वजह से इन बाबा जी की लाइफ बड़ी प्रोलॉन्ग होगी, यानी वो कैंसर जो 3 सेंटीमीटर से 3 महीने में 6 का होना था और 6 से 3 महीने में 12 का होना था, वो यहाँ जल गया। तो जो 29/3 को अगर था, मैं भी पढ़ाता हूँ आपको, 29/3 को था 8.8x6.9 सेंटीमीटर का, वो अब रह गया 2.8 यानी कि तकरीबन 3 सेंटीमीटर का, छोटा हो गया, और अब इसको भी जलवा दिए। जी जी, मैं लाहौर में गया हूँ, सारे मैं इदारों में गया हूँ तकरीबन, ठीक है, जो जिधर ट्रीटमेंट हो सकता था, तो सभी ने जवाब दे दिया। कोई कहता था कि थोड़ी देर के लिए बस इसको रोका जा सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता और ये अब ख़त्म भी नहीं हो सकता, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये कह रहे हैं, मैं लाहौर के मुख्तलिफ इदारों में गया, इन्होंने बड़े इदारों के नाम भी लिए जिन पर मैंने इन्हें बात करने से रोक दिया, तो उन्होंने कहा कि इसको कुछ भी नहीं किया जा सकता, सरकारी इदारे या जो भी रश की वजह से चीज़ें, हम उनको नेगेटिव नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि जो मैं एक बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि लिवर कैंसर को कभी भी ना नहीं होती, ठीक है। अब ये देखें, ये जो दिखा रहा हूँ, ये जला पड़ा है सारा, और मज़ीद भी, और सबसे बड़ी बात कि नाड़ों से भी चला गया, मतलब वेसल से भी ट्यूमर इज़ गॉन, तो दिस इज़ वेरी गुड। तो इसमें मेरा जो दोस्त मेरे साथ काम कर रहा है डॉक्टर रऊफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में, मैं उसको भी और जितनों से भी मैंने मेरे मेदे जिगर सेंटर के MOUs हैं, उनको मैं खराज तहसीन पेश करूंगा। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेल्ड, और किसी की भी डॉक्टर की सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है कि मरीज़ ठीक हो जाए। शोहरत, नाम, पैसा सब बाद में है, अगर ये बाबा जी अपनी ज़िंदगी और जी लेंगे अपने बच्चों के साथ, दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग।